नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऐसी कवरेज नतीजों के पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी जैसी आप कवरेज आज तक पर देख रहे हैं, और इसीलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको अपने से एक घंटे के शो में बताने वाले हैं कि कौन से है वो पांच बड़े कारण जिसकी वजह से एग्जिट पोल ऐसा अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है एनडीए की फिर से सरकार। जी हां, सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। वही चुनाव स्टूडियो जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए, क्योंकि स्टूडियो में लोग नहीं आ पाते तो हम स्टूडियो लेकर लोगों के बीच गए थे, वही चुनाव स्टूडियो आज पहुंचा है दिल्ली में। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे, और हाँ, ये जनता, ये युवा, ताली अपने लिए क्योंकि आप लोग सवालों की बौछार करेंगे। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स का आज पैनल है वो इस मंच पर आपको ढूंढना पड़ेगा। इलेक्शन एक्सप्रेस के ऊपर आलोक मेहता जी और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऊपर की हवा ठीक है, नीचे कह रहे हैं हिंदुस्तान में मोदी की हवा चल रही है, ऊपर की हवा कैसी है? देखिए, ऊपर से डाइवर्ट हो रही है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की, डाइवर्ट होकर फ्लाइट कहीं और जा रही है, तूफान आ रहा है, तूफान। चलिए ठीक है, तूफान, सुनामी, लहर, हवा, सब कह लीजिए, इन सब के बीच शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल के नतीजे बताने के साथ, फिर वो पांच कारण जिसकी वजह से एनडीए को ये बढ़त दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो अनुमान है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रभक्ति की शक्ति, पहली वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि राष्ट्रवाद, देश, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, ये काम आ गया। इसी पर क्या थे दोनों के बयान, कैसे ये मकाम पर पहुंचा राष्ट्रवाद का मुद्दा, देखिए फिर चर्चा की शुरुआत। आर्मी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की नेवी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आर्मी हिंदुस्तान की सेना है, किसी एक व्यक्ति की सेना नहीं है। ये मेरा पूरा चुनाव राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है और मेरा जीवन भी राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है, और मैं भी मानता हूँ अगर हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का जीवन भी राष्ट्रभक्ति, ये उनकी प्राथमिकता होगी तो देश का भला होता। राष्ट्रभक्ति की शक्ति कुछ ऐसी चली राजीव त्यागी जी कि ये जो आंकड़े एग्जिट पोल के हैं 339 से 365 तक, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की आंधी चल गई। देखिए अंजना जी, जिन नागरिकों ने, देश के सम्मानित नागरिकों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया उन सभी का धन्यवाद, और साथ साथ जिन्होंने वोट नहीं दिया उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हम दोबारा बेहतर प्रयास करेंगे, दोबारा उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश करेंगे और उनका आगे वोट देने की कोशिश करेंगे। अच्छे मूड में, इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, मतलब अगले चुनाव की तैयारी में अभी से लग गए हैं। और निश्चित रूप से देखिए, जनता सिरमौर है और जनता ही क्या नाम उसका डिसाइड करती है प्रजातंत्र में। दिनकर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल व्रक्ति तनाती है, दो राह समय के घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलिए, तो जनता निश्चित रूप से खाली भी होनी चाहिए। देखिए जिस ट्रक पर आप मौजूद है उसी के ऊपर हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, 339 से लेकर 365 तक, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की खुशी देखते बन रही है। इधर राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे दाएं देखें कि बाएं देखें, क्योंकि 77 से 108 किसी तरह से उनकी सेंचुरी लगी है, और 69 से 95 पर अन्य, यानी समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के भी जो आंकड़े हैं वो आपको यहीं पर कहीं गठबंधन के दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति की शक्ति, क्या यही काम आया? आलोक जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री का और विपक्ष का आरोप कि प्रधानमंत्री देखिए बार बार बालाकोट के हमले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द बदल देते थे, पाकिस्तान में घुसपैठियों को मारा। देखिए, राष्ट्रवाद तो आज से नहीं, नेहरू युग से या गांधी युग से कहें कि राष्ट्रवाद है, और उसको सही माने में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, सब तरफ से चारों तरफ मोर्चे खोल करके जो किया, इसलिए नेशन फर्स्ट और नो भ्रष्ट, ये जो मुद्दा था, मुझे लगता है कि ये जनता के मन में ये है कि वो भ्रष्टाचार जो छवि थी 2014 में भी दूसरी पार्टियों की, खास करके बिहार यूपी में, उस सब का भी फायदा बीजेपी लेने की कोशिश किया है। अभी हम ये नतीजा नहीं, अंजना जी ये बात आपने शुरू में ही जो कहा,
हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं ये सही है कि निष्कर्ष मैंने परिणाम नहीं है, लेकिन ये सही है कि दो बड़े मुद्दे रहे हैं, राष्ट्रवाद और विकास। भ्रष्टाचार की मुक्ति तो तभी होगी जब उसके साथ के विकास होगा, और यही सबसे बड़ी जो भी सफलता जिस पार्टी को मिल रही है उसका बड़ा कारण यही होगा। राष्ट्रवाद चल गया। सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ गए हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। सुधांशु जी की गाड़ी आज थोड़ी सी बैट्समैन लेट पहुंचा है, जल्दी से आशुतोष जी। देखिए, राष्ट्रवाद का एक ऐसा मुद्दा था कि उसको जानबूझकर उठाया गया, और इसलिए उठाया गया ताकि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मसला है, किसानों का मसला है, उस पर बातचीत ना हो पाए। और उसमें वो अगर आपका जो एग्जिट पोल है अगर वो 100% सही आता है तो मानना पड़ेगा कि बहुत ही चतुराई के साथ इस मुद्दे को रखा गया और उस पर लोगों ने वोट दिया। चतुराई के साथ रखा गया, जानबूझकर उठाया गया, उनका इशारा किधर है आप समझ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवाद हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद तो इस राष्ट्र का स्थायी तत्व होना चाहिए, किसी भी राष्ट्र का। मगर समस्या क्या है कि जब कोई दूसरी पार्टियां, खासकर हमारी विपक्षी पार्टियां, राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर ऐसे विचित्र प्रकार के स्टैंड लेंगी कि कोई कहेगा जी हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कोई कहेगा तिरंगा झंडा तक पे बात करेंगे, तो कोई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलेगा, तो कोई कहेगा जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ज्यादा बेहतर समझ है, तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाएगा, तो कोई कहेगा पेड़ गिराए गए। ये निरर्थक बयान किसने दिए? तो मैं कहूंगा चतुराई के साथ नहीं, बहुत ही मूर्खता के साथ यह मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया और सेल्फ गोल किया गया। मेरा इस पर सीधे यह कहना, हमारे लिए वो चुनावी मुद्दा नहीं। मूर्खता, सेल्फ गोल, ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपके। देखिए, अब चुनाव हो चुके हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, नेशन फर्स्ट, जनता को नो कष्ट, जनता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्रवाद ये कहता है, हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि देश में नए नए IIT हो, नए नए IIMs हो, नए नए अस्पताल हो। हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि बेहतर संरचना हो। हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि किसानों की आंखों में आंसू ना हो। हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि नौजवानों के हाथों में रोजगार हो, ये पकौड़ा तलने का काम ना करें। हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि हम बेहतर व्यवस्था बना करके देश को आगे बढ़ाएं, और जो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे उन्नत देशों में सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं हमारे राष्ट्र में होनी चाहिए। हमारा राष्ट्रवाद बहुत स्पष्ट है कि हम लोग चाहते हैं कि देश में विकास हो, देश में बेहतर जीवन हो, लोगों के आंखों में आंसू ना हो, लोगों के पास रोजगार हो। इसको लेकर के राष्ट्रवाद की हमारी परिभाषा है। रही बात इसकी, ट्रक के ऊपर का आंकड़ा देखिए, यहाँ पर तो आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं सर। देखिए, आपने जो बात कही है अंजना जी, जो आपका आंकड़ा है, इस आंकड़े का सम्मान करते हुए इतना मैं कहना चाहता हूँ, 23 मई बहुत दूर नहीं है। 23 मई भाजपा गई, ये आप 23 मई को जब रिजल्ट खुलेंगे तब देख लीजिएगा। 1999 से लेकर के भाई, मैं सोच रही थी आज राजीव जी क्या खाकर आए हैं, शुरू में इतनी मिठास, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, मिठास रहेगी। एक बार अगर तुरंत आ रही हूँ, एक सेकंड, आप लोगों के भी सवाल है। एक बार जरा संसद की तस्वीर जो बनती हुई दिखाई दे रही है वो अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा दे, क्योंकि अगर एग्जिट पोल के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 23 मई को नतीजे के रूप में आप देखते हैं, तो फिर तस्वीर क्या होगी ये जरा अब हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, 542 सीटें, जिसमें जो रंग हमने इस्तेमाल किया है वो उसमें आप देख रहे हैं कि NDA, देखिए किस तरह की परिस्थिति है। 77 एक हिस्से में बिल्कुल कांग्रेस फिर से सिमटती हुई, अन्य 69 से 95, और ये 339 से 365 पर NDA। जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। देखिए, जो दिखाई पड़ रहा है आपके सर्वेक्षण में, हम लोगों का अनुमान उसी के अनुरूप है जो हमारा अपना असेसमेंट है। जहां तक बात राष्ट्रवाद, सुना है 300 के ही आसपास है, नहीं 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, और तो अब की बार 300 के पार, NDA 365 दिखा दिया तो आप 400 के पार बोल दीजिएगा। ना, आप याद करिए, इवन राजनाथ सिंह जी ने भी प्रेस से बोला था, कोई आश्चर्य नहीं कि यदि NDA 2/3 बहुमत के पास भी पहुंच जाए तो वो एकदम स्पष्ट है। 300 की बात अमित शाह जी ने बोली थी बहुत क्लियर कट। मैं एक बात कहना चाहता हूं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, सिर्फ एक छोटी सी बात। पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के जमाने में कोई कल्पना कर सकता था कि कांग्रेस का कोई नेता किसी ऐसी भीड़ के पक्ष में खड़ा हो जाए जो कह रही हो भारत तेरे टुकड़े होंगे? ये आपने देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए कहां आ गए आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में। हमने मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दा मैंने कहा राष्ट्रवाद शाश्वत था, आप छोड़ते गए, जनता उसे हमारी तरफ करती। जल्दी से छोटा सा जवाब फिर इन लोगों के साथ। पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम या अन्य 3-4 मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं
मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी सैनिकों के शौर्य पे, सैनिकों की शहादत पे कोई वोट नहीं मांगेगी, कभी नहीं मांगेगी। लेकिन पाकिस्तान के विषय में बहुत स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी मानती है कि देश के सामने चींटी की तरह है, जब भी अवसर आएगा दोबारा मसल देंगे। पहले भी मसला है, भूगोल बदला है, इतिहास बदला है हमने, और निश्चित रूप से हम इस बात के लिए मुतमईन है कि पाकिस्तान हमारा कोई कंपटीटर हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि 26 के सॉरी कि वो पाकिस्तान को चींटियों की तरह मसल देंगे। सर फिर 26/11 को क्या करा आपने? 26/11 को क्या करा? जो बात आपने कही, यदि आप साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के आप सारे आंकड़े उठा करके देखेंगे तो प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। वो कह रहे हैं, सुनिए युवा है सर, सबको ऐसे मत रंगिए कि सारे बीजेपी के लोग आ गए, युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं। एक सवाल तो सुनिए, मैंने नहीं कहा किसी को कुछ भी। 26/11 का जो एक शुरू में स्पष्ट कहा मैंने, सुनिए सुनिए सुनिए, 26/11 के आतंकी हमले के बाद हमारे दर्शक भी समझ जाए, 26/11 के आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या कदम उठाया, क्यों नहीं मसल दिया चीटी की तरह? इतनी सिफत होती हम लोगों में के लिए भी समझ जाए कौन कहां बोल रहा है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह दूं आपको कि साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के आंकड़े उठा करके देखिए, 2004 से लेकर 2014 के बीच में पाकिस्तान के बॉर्डर पे कितने सैनिकों की शहादत हुई, कितने आतंकवादी मारे गए, किस तरह से सीज फायर का वॉल्यूशन कितना किया, और 2014 से लेकर के 2019 तक के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर इनके मन में शक क्यों रहा? शक देखिए, शक इसलिए है, क्यों सवाल पूछ रहा है? शक इसलिए है कि मनमोहन सिंह साहब ने अपने शासनकाल के दौरान जो सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने कभी उनका प्रचार नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब साहब के टाइम पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने कभी प्रचार नहीं किया। राजीव जी, जो गैंग ने नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, क्या वही गैंग यदि यह नारा लगाता भारत तेरे टुकड़े होंगे जय श्री राम जय श्री राम, तो आप उसका मदद नहीं करते? क्या भारत का टुकड़ा करने का जिम्मेवारी सिर्फ अल्लाह के पास है? नंबर चुके हैं। क्या कह रहे हैं, क्या सवाल है आपका? किसने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे? किसने बोला? ये जेएनयू में बोला था जिसका इन्होंने सपोर्ट किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चार्जशीट तो फाइल नहीं हुई जी उनके खिलाफ, आरजेडी कांग्रेस ने एक उम्मीदवार बेगूसराय, वही नारा रहता भारत तेरे टुकड़े होंगे जय श्री राम, तो ये सपोर्ट नहीं करते। एक शेर के रूप में अपनी बात कह देता हूँ, उम्मीद है आज तक के दर्शक समझ जाएंगे, सच अदालत से सियासत तक सब मसरूफ हैं, झूठ बोलो झूठ में झूठ से मोहब्बत बहुत है। तो ये निश्चित रूप से मैंने जो शेर पढ़ा है ये आज झूठ का प्रचलन है, और ये बदनाम करने की साजिश है कांग्रेस पार्टी को। बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि प्रत्येक वॉइस को सुना जाना चाहिए, प्रत्येक वॉइस को सुन करके हमें निर्णय पे पहुंचना चाहिए, किसने क्या किया ये क्या कहा ये महत्वपूर्ण है, तो उससे महत्वपूर्ण ये कि किसने क्यों कहा ये महत्वपूर्ण है। और मैंने जो कहा 2004 से 2014 से 2019 तक के आंकड़े उठा के देखिए, सैनिकों की शहादत में 250% का इजाफा हुआ है, सीज फायर वॉयलेशन 5,965 बार पाकिस्तान ने की है, उसके बारे में कोई वली वारिस नहीं है, 44 हमारे जवान शहीद हो गए पुलवामा में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है उसके बारे में। जवाब सर अगले टॉपिक पर जाएंगे, अगली वजह बताएंगे जिसकी वजह से एनडीए को बड़ा दिख रही है। मैं केवल दो लाइन में ही बात कहता हूँ, दुनिया में आपने जहां कहीं देखा होगा वहां ये देखा होगा कि छोटा और कमजोर कहता है कि ये बड़ा है ताकतवर है मुझे सता रहा है, पर यहां पिछले 67 सालों से अटल जी का दौर सिर्फ छोड़ दीजिए तो हम बड़े थे और ताकतवर थे, और बगल वाला मुल्क छोटा और कमजोर था, हम कहते रहते थे ये हमें सता रहा है। अगर पहली बार वो भीगी बिल्ली बना तो हमारे जमाने में, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में उसके न चाहते हुए भारत को बुलाया गया विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, और वो खिसियानी बिल्ली बन के बाहर। मेरे मित्र ने कहा कमजोर के बारे में ताकतवर के बारे में, जो भारतवर्ष मेरा देश प्यारा भारतवर्ष अमेरिका के साथ कदम ताल करता है, चाइना को बिल्कुल निश्चित रूप से बराबरी का दर्जा देता है, ब्रिटेन और फ्रांस से बराबरी का दर्जा देता है, वो भारतवर्ष पाकिस्तान को कोई ताकत मानेगा? और रही बात आपकी कमजोर की, आप बात कर रहे हैं सुधांशु जी, हम तो 44 सीट पे थे, हमने क्या मना किया था? हम कमजोर थे, अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ रोजगार दे देते, किसानों को दाम दे देते, बेहतर जीवन दे देते, 15 लाख रुपए दे देते, अच्छे दिन दे देते, बुलेट ट्रेन चला देते, सोने स्मार्ट सिटी चला देते। राजीव जी, अगली वजह की एनडीए को ऐसी बढ़त दिखाई दे रही है, अब आइए आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताते हैं। अगली वजह है किसान, 72,000 के न्याय स्कीम पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जो 2,000 किसान कार्ड के जरिए भेजा जा रहा था, जिसकी पहली किश्त और कई जगहों पर दूसरी किश्त भी दे दी गई, यानी 4,000 किसानों को मिल गया, उस पर लोगों का भरोसा हुआ। इसी में नोटबंदी का मुद्दा भी जोड़ देते हैं, नोटबंदी के मुद्दे पर लोगों ने यह समझा कि अमीरों पर ही ये स्ट्राइक हुआ है मोदी सरकार का, और इसीलिए जो एक तबका ऐसा था
जो ये मानता था कि अमीरों पर ये स्ट्राइक हुआ है वो उससे खुश होकर एनडीए की तरफ ही सिमटा रहा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखा गया था। ये है दूसरी वजह जो इस एग्जिट पोल में सामने आई है। इसी के साथ शुरुआत करते हुए, आपके 72,000 वाले पर यकीन नहीं किया तभी ऐसी परिस्थिति हो रही है, लेकिन उससे पहले जरा सुना देते हैं इसी मुद्दे पर पीएम ने क्या कहा, राहुल ने क्या जवाब दिया। आप हिंदुस्तान के किसी भी जेल में जाओगे आपको दिखेगा कि वहां पे किसी किसान ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, उसको जेल में डाल दिया। किसान को 20,000 रुपए कर्जा ना लौटाने पे जेल में डाल देते हैं और अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ ना लौटाने पे और पैसा देते हैं, वो जेल के बाहर बैठता है, हमारे किसान जेल के अंदर होते हैं। आपको ये सही लगता है? आपको ये न्याय लगता है क्या? गलत लगता है ना? तो आप सुनिए, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 2019 के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो कोई और प्रदेश हो, हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाए। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय किया था। हमने बीच से बाजार तक पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए काम किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए अभी 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के खाते में आज सीधे पैसे जमा हो रहे हैं। चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। छोटा छोटा जवाब दीजिएगा ताकि मैं सभी लोगों के पास जाऊं। राजीव जी, 72,000 आपने सामने न्याय स्कीम कर दिया, अपना पूरा कैंपेन ही अब न्याय होगा कर दिया, लेकिन न्याय पर भरोसा ही नहीं आपके लोगों को। कैंपेन जो था हमारा अंजना जी, वो 3 मुद्दों पर महत्वपूर्ण था। पहला किसान था, दूसरा नौजवान, तीसरा न्याय योजना थी। बहुत स्पष्ट, मैं अब किसान के विषय की बात हो रही है तो 2-3 बिंदु रखना चाहता हूँ। यूपीए शासन काल में कृषि विकास दर 4.2% थी, 4.2% थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 2.1% रही। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी। इस अनुपात के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 10.4% की दर से बढ़ना पड़ता। सुनिए प्लीज, वोटिंग हो गई खत्म। सुनिए सुनिए प्लीज, तो वोटिंग अभी, वोटिंग की काउंटिंग नहीं हुई है, वोटिंग की काउंटिंग नहीं हो सकती हुई है। और न्याय योजना पे भरोसा दिखा करके कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे लोग, ये भी मैं कह दूं आपको। 23 तारीख को जो वोटिंग लग रहा है कि न्याय स्कीम ही चलेगा लोगों के, मैं आपको एक ठीक है, मैं एक चीज डिक्लेयर करना चाहता हूं यहां पे। 2019 की जो पार्लियामेंट होगी, किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं होगा, हंग पार्लियामेंट होगी, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं दिखता। कांग्रेस की क्या हालत हो गई? और बहुत स्पष्ट, बहुत स्पष्ट दावा भी करते हैं तो हंग पार्लियामेंट। सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, बिल्कुल दावा इसलिए कर रहा हूं, मैं सत्य को बात सत्य कहने के लिए जाना जाता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और ना ही मैं ऑस्ट्रिच अप्रोच रखता हूं जीवन में कि शिकारी को देखा और जाकर के रेत में छिप गया। कितनी सीटें? देखिए सुनिए, कांग्रेस की सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। सर, आप शायरी तो कांग्रेस बहुत सुनाते हैं, जवाब नहीं देते। न्याय योजना से लेकर के किसान को साथ लेकर के नौजवान को साथ लेकर, देखिए ये हमारे देश की सूरत, ये इनकी 72,000 वाली योजना क्यों नहीं चल पाई, क्योंकि देखिए एक हकीकत होती है, आप भी अपने जीवन में देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है, उसके साथ ये भी देखते हैं कौन कह रहा है। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, वो याद होगा, वैसे वो फिल्म का नाम लेना उचित नहीं रहता, फिर भी लेना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। बजरंगी भाईजान में सलमान खान हर बार फेल होता है ना, तो जय बार वो रिजल्ट लेके जाता है उसके पिताजी पहले ही झापड़ उठा लेते थे कि फिर फेल हो गया है होगा। तो समस्या क्या हो गई है कि हर बार ऐसा कर चुके हैं काम फेल होने वाला, कि अब अगर ये कुछ कहे भी होते तो जनता को पूर्ण विश्वास था ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इन्होंने शेर बोला था तो मैं भी एक बता देता चाहता हूं इनके 72,000 पे, कि बेवफा तेरा ये फसाना एतबार के काबिल नहीं है, इस कदर धोखे खाए हैं हमने सर उठाने के काबिल नहीं। एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ, फिल्मी भी हो गए। एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ, ओहो यहाँ तो कवाली ही छिड़ जाएगी। तुमसे पहले जो यहाँ सख्त तख्ता नशी था उसे भी खुदा होने का इतना यकीन था। यही तख्ता नशी था, इसको भी ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए आप दोनों के पास ये शेर व शायरी और बजरंगी भाईजान
पिक्चर भी देख लेते हैं सुधांशु जी, पता नहीं ये साजिश है कि मीडिया वाले बिल्कुल माने जाए कि पढ़े लिखे नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, रविश रविश पर बिछा दो कांटे, चमन से लुफ्त उठाने की बात करते हैं, समझ सको तो ठिकाने की बात करते हैं। वाह लोगी वाह, राजीव त्यागी जी बहुत शायरी सुन लिया, हम लोग भी पढ़े लिखे थोड़े बहुत तो हैं। अंजना जी को भी प्रधानमंत्री से जवाब सवाल पूछ लेती हैं, और राहुल गांधी यदि मौका देंगे तो इसी मंच पे बुला के उनको अच्छा से पब्लिक के बीच में जवाब दिलवाइए। दूं एक आपको, प्रेस को छोड़ दीजिए, चलिए न्याय पर आ जाते हैं, लंबी बात नहीं करूंगा। 72,000 पर नहीं 2,000 पर यकीन किया। मेरा ये कहना है कि चूंकि मेरे दादाजी भी किसान करते रहे, मेरे चाचा आज भी करते हैं, जिसके घर में 2,000 भी मिलता है बीज और खाद के लिए, मैं अभी हरियाणा भी गया था, किसान ने कहा कि 6,000 मिलेगा अगली बार, उस खाते में 6,000 शायद राज्य सरकार भी देने वाली है, और हो सकता है सर 2 साल अभी ये फिर से आ जाएंगे तो हो सकता है कुछ बढ़ जाए। उम्मीद और साथ में देने का जिसके खाते में जाता है, चाहे वो गैस हो, मैं उनका तबर्दस्त नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार, मनमोहन सिंह जी ने मुझे जवाब दिया था जो आज भी मेरे पास फाइल में है कि मल्टीनेशनल से मुकाबला करना होगा, आलू पैदा करते हो बाहर वाला आएगा खरीदेगा तो खरीदेगा, नहीं तो तुम देखो चिप्स पापड़ बनाने से काम नहीं चलेगा। तो पापड़ बनाने वाला आज भी लघु उद्योग के जरिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग गाँव में बनाती हैं, बढ़िया बनाती हैं, उनके लिए जरूरत है, इसलिए लोग वोट देंगे किसी को भी। आशुतोष देखिए, मुझे लगता है कि सुधांशु जी ने गलत फिल्म का नाम ले लिया है। सलमान खान पिटता जरूर है लेकिन बाद में सलमान खान फिल्म का हीरो बनता है और फिल्म हिट हो जाती है। अब ये सुधांशु जी समझ लें क्या इसका मतलब है, राहुल गांधी ही हिट दिख रहे हैं। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश के अंदर नहीं आशुतोष जी इस देश के अंदर अगर आज हम अर्थव्यवस्था पर चिंता नहीं करेंगे तो जितने लोग यहां बैठे हुए हैं एक साल के बाद यही लोग सड़क पर उतरेंगे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, आयात निर्यात नीचे है, इन्वेस्टमेंट नीचे है, किसानों की जो आय है वो नीचे है, जो खपत है नीचे है। अभी मारुति के आंकड़े आए हैं कि 20% उसकी सेल कम हो गई है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, रेटरिक्स देना एक अलग मसला है और देश की अर्थव्यवस्था को संभालना एक अलग मसला है, और यह राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मसला है। अगर हिंदुस्तान कमजोर होगा आर्थिक तौर पर तो ना आप चाइना का मुकाबला कर पाओगे, ना पाकिस्तान का, और ना ही आप कश्मीर की समस्या का समाधान। अगली वजह की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए बहुत गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया है, आने वाले वक्त में बेरोजगारी इतनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है इन्हीं लोगों के लिए जो शायद रेटरिक में उलझ रहे हैं, जुमलेबाजी में जो आशुतोष जी। उससे पहले एक लाइन बता दूं, मुझे वो फिल्म जानते क्यों अच्छी लगी थी, वो एकमात्र फिल्म मैंने देखी जिसमें संघ का स्वयंसेवक है और वो अच्छे रोल में दिखाया गया है। खैर अब मैं इसमें मतलब, देखिए बेरोजगारी मतलब के मुद्दे के संघ का स्वयं सेवक पहली बार अच्छा काम करता हुआ दिखा, ऐसा सुधार जो कि मीडिया पे कब्जा था ना, एक ढंग से दिखाना था एक ही कलर में। आप एडमिट कर रहे हैं कि संघ का स्वयं सेवक पहली बार बेरोजगारी पे आता हूं। अब मुख्य मुद्दे के ऊपर आता हूं। देखिए जहां तक बेरोजगारी की बात है, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, यदि पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना अधिक सड़कें बनी तो किसने बनाई, रोजगार नहीं सृजित हुए। 2.5 गुना अधिक रेलवे ट्रैक बना, रोजगार नहीं सृजित हुए। 1,53,00,000 मकान बने तो क्या आसमान से उतरे जिन्नातों ने बनाए। 20 से अधिक, अगर ये मान लीजिए मैं मुद्रा योजना उन सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 20 से अधिक एयरपोर्ट बने वो किसने क्रिएट किए। भारत 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, आप लोगों के सवाल भी लेंगे। अभी 3 कारण बचे हुए हैं जो इस एग्जिट पोल में मुख्य कारण बनकर सामने आए हैं, जिनके मुताबिक एनडीए को ये बढ़त मिल रही है। इन वजहों को देखकर आप चौंक जाएंगे, क्यों हो रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी मोदी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमारे साथ आलोक मेहता जी, आशुतोष जी यहां पर मौजूद है, दिल्ली की जनता इलेक्शन एक्सप्रेस पर है, मैं दिल्ली की जनता सामने है, और चुनाव स्टूडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी और राजीव त्यागी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। 2 वजह हमने आपको बता दी, एक तो राष्ट्रभक्ति की शक्ति, न्याय स्कीम 72,000 से ज्यादा जो कांग्रेस ने ऑफर किया था, प्रधानमंत्री के 2,000 वाले किसान कार्ड पर लोगों ने विश्वास किया। कौन सी है वो तीसरी वजह जिसकी वजह से एग्जिट पोल में मोदी मोदी दिख रहा है, वही दिखाने का वक्त है। तीसरा कारण अब आपके सामने है, सवर्ण आरक्षण पर भरोसा लोगों का, और ये दांव काम आ गया मोदी सरकार को। जी हाँ, सवर्ण आरक्षण का जो दांव खेला गया कि उनमें भी गरीबों को दिया जाएगा, ये
आरक्षण का दाव शायद सबसे ज्यादा कारगर हुआ है कई इलाकों में, जिसमें मध्य प्रदेश और ऐसे हिंदी हार्टलैंड के तमाम इलाके हैं। ये वो महत्वपूर्ण वजह है। आपको जरा सुना देते हैं इसी मुद्दे पर भाषणों में अपने क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया। आज हिंदुस्तान में 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, मगर सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान का युवा अलग अलग प्रदेशों में रोजगार ढूंढते भटक रहा है। तो क्या सवर्ण आरक्षण का दाव काम कर, किसी का फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को हुआ? याद रखिए चुनावों के कुछ महीने पहले ही ये फैसला लिया गया था और फौरन कदम भी इस तरफ बढ़ा लिए गए थे। क्या ये एक बड़ी वजह रही कि मोदी एग्जिट पोल के मुताबिक? चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो देश की संसद की क्या तस्वीर रहेगी। ये तस्वीर अब हम आपके सामने कह रहे हैं, क्योंकि अब की बार 300 के पार आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। ये वो तमाम नारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी और जिसके साथ चुनावों में गई थी। अगर ये सब कुछ कारगर साबित हो रहा है तो यही वो वजह है कि आप ऐसी तस्वीर एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी की इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे ये भी तय हो जाएगा कि इस देश की संसद कैसी रहेगी। तो इलेक्शन एक्सप्रेस जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में गया था, उस पर सवार होकर हम चर्चा कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे और चुनाव स्टूडियो में अपनी चर्चा करेंगे और आगे ये भी बात करेंगे कि क्या ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ सवर्ण हमेशा जुड़े ही रहते हैं, लेकिन वो कई जगहों पर छिटक रहे थे। उन्हें अपनी तरफ अगर वापस करना था तो ऐसे में हर हाल में एक बड़ा कदम उठाना था। क्या यही वजह रही सुधांशु त्रिवेदी जी कि आपकी पार्टी ने यह फैसला चुनाव के कुछ महीने पहले लिया, क्योंकि कांग्रेस कहती थी बहुत कम का फासला है, तुरंत के फैसले का असर नहीं होगा, लेकिन दिख रहा है। सुधांशु जी, देखिए हमारी पूरी विचारधारा के तीन हिस्से हैं, अंत्योदय, विकास और राष्ट्रवाद। चुनाव से कोई मतलब नहीं। जब हम अंत्योदय की बात कहते हैं तो अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय, यानी हर गरीब और निर्धन को लाभ। और हम ये मानते हैं कि गरीबी जात देख के नहीं आती, हर जाति समुदाय वर्ग में गरीब लोग हैं। बस अंतर क्या रहा कि ये तो वादा सबने किया था, इनके भी चुनाव घोषणा पत्र में था, मगर जब हमने लागू किया तो ये विरोध में खड़े हो गए। और विरोध में खड़े होने की सीमा यहां तक कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने वो 10% आरक्षण लागू ही नहीं किया अपने यहां, और जिसका नुकसान ये हुआ कि उन राज्यों में तो मिला नहीं उन गरीबों को आरक्षण। उस राज्य के जो लोग केंद्र की सेवाओं और केंद्र की विद्यालयों में एडमिशन चाह रहे थे वो भी उससे वंचित रह गए। तो ये जो दोहरा रवैया नजर आया कि आप गरीबी में भी देखते हैं वर्ग और जाति, और आतंकवाद में भी आप वर्ग और जाति मजहब देखते हैं, वो चीज से जनता को साफ इनका दोहरा चरित्र समझ में आ गया और इस कारण से मुझे लगता है इनको क्षति हुई। करनी सेना, जिसकी वजह से देखा गया पद्मावत फिल्म को लेकर राजपूत जो है वो बड़े नाराज थे इनसे, और भी कई जगहों पर सवर्ण जो है वो जरा नाराज चल रहे थे। एक कदम उठाया, फायदा मिल गया, आप देखते रह गए राजीव जी। ये भी बिल्कुल निश्चित रूप से एक जुमला ही है भारतीय जनता पार्टी का, 24 लाख रोजगार खाली पड़े रहे 5 साल, और देश की सरकार ने वो 24 लाख रिक्त पद सरकारी पद भरने का काम नहीं किया। और स्वर्ण से लेके गरीब जितने भी और हैं, या दलित हैं या शोषित हैं या बैकवर्ड्स हैं, सब देखते रहे कि किसी तरह से मेरे को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे पाई। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर थी, नोटबंदी के बाद 3 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। और निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुनाव प्रचार की मुद्रा में है, अगर रोजगार देती तो 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर नहीं होती। चलिए कुछ सवाल जल्दी से। ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भूल गए सवाल,
देखिए ये बोला जा रहा है कि पिछले 5 साल में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जब 60 साल तक शासन में रही, क्यों उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाई बेरोजगारी दूर करने के लिए? क्यों उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि किसान आत्महत्या ना करें, हमारी कृषि जो ठीक है ठीक है। मैम एक रिपोर्ट आई थी, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन मैं राजीव सर से ये कहूंगा कितना मतलब कांग्रेस झूठ बोलेगी। जो पद है वो शायद 3 या 4 लाख केंद्र में है, बाकी पद राज्य सरकारों में। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाकी पदों बाकी राज्य सरकारों में कांग्रेस की है तो वो पद कैसे देगी? यही सवाल है मेरा कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि जो आम व्यक्ति है वो बीजेपी को डिफेंड करने के लिए उतर जाता है, वो उनकी तरफ से आंकड़े पेश करता है। एक सेकंड सर, अगली वजह बताने का समय आ गया है। इस पर रिस्पांस मैं आप लोगों से भी नहीं ले पाऊंगी, एक ही साथ रिस्पांस लूंगी राजीव जी, लेकिन ये सवाल और इसका सामना आप लोगों को करना पड़ेगा कि आम लोग सवाल पूछने के बजाय बीजेपी को डिफेंड करने लगते हैं, सुधांशु जी के बजाय वो प्रवक्ता बनने लगते हैं। ऐसी छवि क्यों कांग्रेस की पड़ गई है कि 60 साल जो आपका है वो अभी भी आप पर भारी पड़ रहा है। चलिए अब अगली वजह की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चौकीदार कैसे मुद्दा बना। जी हाँ, एक तरफ चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी लगवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं भी चौकीदार यानी इस नारे के साथ फ्रंट फुट पर बीजेपी ने बैटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भी उनके नाम के आगे चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा हुआ, पता नहीं चुनाव के बाद भी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन सुन लीजिए इस मुद्दे पर दोनों क्या कह रहे थे भाषणों में। हिंदुस्तान की जनता, नरेंद्र मोदी जी ने राफेल घोटाले में हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी किया है, 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दिया है। भाई और बहनों कार्रवाई होगी, दो नाम निकलेंगे, एक अनिल अंबानी दूसरा नरेंद्र मोदी। याद रखिए चौकीदार चौकीदार चौकीदार। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। पांचवें वजह की तरफ भी बढ़ना है, छोटा छोटा दो दो लाइन का। मैं भी चौकीदार फ्रंट फुट पर जो आपने बैटिंग की इस मुद्दे पर वो काम आया अब की बार चौकीदार की सरकार। देखिए हमारी चौकीदारी 5 साल में अच्छी तरह दिख गई। आपने कहा ना ऐसी छवि क्यों बनी, अरे ऐसी छवि आसानी थोड़ी बनी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 4 पीढ़ियों तक मेहनत की है तब जाके वो स्थिति बनी है कि अब हर सवाल के ऊपर जनता इनका प्रश्न पूछने लगी है। तो इनकी नामदारी और इनकी कारगुजारी और हमारा काम दोनों ने मिलकर दिखा दिया कि किसकी सही है चौकीदारी। देखिए नामदार बनने के लिए काम करने पड़ते हैं, 1947 से लेकर के देश में 2014 तक जितने काम हुए वो मैंने गिनाने का काम किया, कहीं तो दोबारा गिरा दूं। और जितनी संचार क्रांति IT रेवोल्यूशन से लेकर के देश के बेहतर व्यवस्था, बार बार आपको टोक रही हूँ राजीव जी, अब देखिए चुनाव खत्म हो चुके हैं सर, मुद्दे पर आइए कि ऐसा क्यों हुआ, हम आकलन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी आकलन नहीं कर सकती? ऐसा इसलिए हुआ, तो सुनिए, ऐसा इसलिए चौकीदार चोर है पर क्या लोगों ने भरोसा नहीं किया? ऐसा इसलिए हुआ जना जी, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है, ये ऐसा इसलिए हुआ। जनता क्यों रात बोल रही है? अगर आपकी बात सही है, तो चाहता है कि सच्चाई सामने ना आए और वो राजा जो बोल रहा है उसी की धुन में धुन बुलाया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्र ने सवाल किया कि कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हुई। कांग्रेस के टाइम पे मनमोहन सिंह टाइम के साहब के समय पे 2.3% बेरोजगारी दर देश में हुआ करती थी, जो बढ़कर के 8.4% हो गई। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा था राफेल की फाइल चोरी कैसे हुई, चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा था तो 250 किलो RDS कैसे आया, चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा था 500 जवान शहीद कैसे हुए, चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा था किसानों की आंखों से आंसू क्यों नहीं पूछे गए? ये निश्चित रूप से सवाल पूछे रहेंगे और पूछे जाने चाहिए। मैं एक पंक्ति में क्या देता हूं, अगर इनकी बात सही थी और चौकीदार चोर था इनके हिसाब से, तो ये एग्जिट पोल में क्यों दिख रहा है? जो दिख रहा है वो दिखा रहा है एग्जिट पोल, एग्जिट पोल नहीं है, उसका पीएम बनना श्योर है डॉक्टर साहब, एग्जिट पोल एग्जिट पोल नहीं है। ज्यादा नुकसान हुआ है राजीव गांधी को भी, जब कई लोगों ने इसीलिए बुरा माना था, 91 में वो जीत के भी आ रहे थे, बाद में नरसिंहराव प्राइम मिनिस्टर बने। चोर कहना इनके लिए उल्टा पड़ा है। पहली बात, आरक्षण पर राजीव गांधी ने 90 में इंटरव्यू दिया था चुनाव के समय और कहा था कि बाकायदा ऐसा आरक्षण होने से क्या नुकसान होगा, मैं यहाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, आज के समय में उसे मुझे ही
गोली मार दी जाएगी। उस समय उस आरक्षण को जो वीपी सिंह ने शुरू किया था उसके खिलाफ राजीव गांधी ने बाकायदा बड़े अखबार को, जो देश का सबसे बड़ा हिंदी अखबार था, इंटरव्यू दिया और उस आरक्षण का विरोध किया था। इसलिए ये जो सवर्ण आरक्षण है उसका लाभ मिल रहा है, और दूसरा मोदी का जो लोगों में विश्वसनीयता बनी उसका लाभ मिल रहा है कि ये चोर मत कहिए, कम से कम उसके ऊपर आरोप मत लगाइए, बाकी नीचे के क्लर्क लेवल पर होता है, चपरासी पर होता है, किसी अधिकारी पर होता है, उसको लोग समझते हैं। नेता के रूप में भरोसेमंद साबित हुए नरेंद्र मोदी, मैं भी चौकीदार पर ज्यादा भरोसा किया लोगों ने। देखिए अभी तो नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो आपका एग्जिट पोल कह रहा है उसके हिसाब से तो यही बात साबित हो रही है। जो एक कमजोरी कांग्रेस पार्टी की दिखी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर अगर आप दोनों राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अगर आप भाषण देख रहे तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। अन्यथा कोई कारण नहीं कि इतने सारे सवाल थे उनके जवाब नहीं दिए जा सके। आप सिर्फ रफेल का मसला अगर ले लीजिए तो रफेल पर इतने सारे सवाल हैं कि जिसके जवाब वो नहीं दे पाए। बोफोर्स का मसला खड़ा हो गया क्योंकि बोफोर्स के मसले पर सबने उसको कायदे से सवाल जवाब दिया, और बोफोर्स के मसले में भी राजीव गांधी को चोर कहा गया था, इंदिरा गांधी को चोर कहा गया। ऐसा नहीं देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके के आरोप नहीं लगते, लेकिन कुछ आरोप राजीव गांधी पर चिपक गए, इनके ऊपर शायद नहीं चिपके हैं। अभी हम अपने दर्शकों को भी बता दें ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल एक अनुमान होता है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये नतीजे नहीं है, उसके लिए 23 मई का ही इंतजार करना होगा, उससे पहले कुछ भी निर्णायक रूप से बहस नहीं हो रही है। लेकिन जो आकलन है उस पर जल्दी से एक सवाल ले रहे हैं, एक दो लोगों की राय जल्दी से, उसके बाद हम आखिरी कारण बताएं। मैम पूरे कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी जी कहते रहे कि चौकीदार चोर है, लेकिन एग्जिट पोल में जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि चौकीदार प्योर है। ठीक है, ठीक है, लोगों की ये राय बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका सवाल हो गया, जल्दी से आप। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजादी के 70 साल बाद आरक्षण की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ी, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ठीक है, सवर्णों के आरक्षण के मुद्दे पर चलिए, ये लोगों के सवाल है। अब हम आखिरी कारण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आपको बताएंगे जो आखिरी कारण रहा वो है विपक्ष का बिखराव। आपसे मिल रही है कांग्रेस पार्टी, गठबंधन हो रहा है, गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन करने वाले हैं, आप 5 दीजिए, हम 7 देंगे, 4 देंगे, हरियाणा दीजिए, बस इसी में उलझ के रह गए। उत्तर प्रदेश पहुंचिए, एसपी बीएसपी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है हो जाए गठबंधन, हो सकता है नहीं हो, कोशिश हो रही है, अंदर क्या हो रहा है ये जो विपक्ष का बिखराव रहा उसी की वजह से प्रधानमंत्री ने जो महामिलावट का नाम दिया, लोगों ने उसमें विश्वास किया और नरेंद्र मोदी में मजबूती देखी, ये एग्जिट पोल के मुताबिक अनुमानित वजह है। सुनिए इस पर क्या कहा था लोगों। तो मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है, और इस बात को, और भैया हर प्रदेश में विपक्ष एक साथ खड़ा है बीजेपी को हराने के लिए, बच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं हर प्रदेश में ये डूबेंगे, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं 2019 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज सभी एक मत होकर कह रहे हैं कि महामिलावटी लोगों सारी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो चलिए, क्या इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो सामने मामला आ रहा है उसमें आएगा तो मोदी ही मुमकिन है। अब की बार 300 के पार ये सही साबित हो रहा है, और मजबूती का जो दावा किया नरेंद्र मोदी ने उस पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन इसका जवाब ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। तो ऐसी कवरेज आपने कहीं नहीं देखी होगी। जी हाँ, 23 मई को आने वाले हैं नतीजे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में हर सीट का विश्लेषण, एक एक सीट का विश्लेषण, और इसी के साथ 5 कारण जिसमें राष्ट्रभक्ति की शक्ति है, जिसमें सवर्ण आरक्षण है, जिसमें 72,000 बनाम 2,000 है, मजबूत सरकार है, ये तमाम मुद्दे आए काम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हमारे एक्सपर्ट जो इलेक्शन एक्सप्रेस पर पूरा टूरिंग खत्म होने के बाद सवार हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।